हाय पूजा। हाय नेहा। तो अभी यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं, आधे रास्ते थोड़ा ही बाकी है। हम लोग थोड़ा ज्यादा टाइम रुक गए एक क्रीप के वजह से। क्रीप मतलब एक लड़का, एक बुढ़ा बोल सकते हैं, 40-50 साल का। हम दोनों को जब से हम लोग चालू किए तब से हमारे पीछे ही था। तो अभी यहाँ पे रुका था 20 मिनट तक, अभी यहाँ पे ही रुका था, इसलिए हम लोग यहाँ रुके। वो चला गया लेकिन पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था वो हरामी। तो ऐसे लोग कैसे ऐसे ऐसे लोग होते हैं, मतलब देवी को भगवान मानते हैं लेकिन लड़कियों को ऐसे घूरते, ऊपर से नीचे स्कैम करते। तो इतना गुस्सा है ना, मन किया मारने का लेकिन इसने मेरे को बचा लिया, नहीं तो अभी बराड़ा करती मैं। बाकी वही, अभी हम लोग पहुंचेंगे, आगे का देखते हैं। अभी देवी देख लेगी है कि नहीं। हाँ, बाकी देवी को बोल दिया है कि ऐसे लोग होते हैं, जरा कुछ करो उनका। वो देख ही रही है इसलिए तो सब ऐसा हो रहा है। बाकी हम कर लेंगे, बाकी तो क्या। अभी ऊपर अगर रहेगा वो तो फिर मैं तो छोड़ूंगी नहीं, मैं उसको मारूंगी, पक्का मारूंगी, अभी नहीं रुकूंगी। 20 मिनट वेस्ट किया हम दोनों का, पता है। ठीक है, चलो बाय। सो वो बंदा ऊपर, हम लोग जीवदानी पहुंचे वहां तक था, वो कंटिन्यूस घूर रहा था। सो ऐसे लोग होते हैं। सो ये वीडियो मैंने वुमेंस डे पे इसलिए डाला, ये बताने के लिए कि हम लोग मंदिर में भी जाते हैं तो लोग कैसे देखते हैं। लोग नहीं, ये क्रिएचर्स, ऐसे क्रिएचर्स जो हमेशा अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं और फॉलो क्यों करते हैं। यार तुम अपना देखो ना, भगवान को प्रेज करने आए हो और लड़कियों को ऐसा दिखते हैं। सो हमारा यही कहना है कि वुमेंस डे अगर तुम्हें मनाना है तो सेफ्टी के लिए मनाओ, ना कि ये सब दिखावे के लिए कि वुमेंस डे है, हैप्पी वुमेंस डे। नो, वी वांट सेफ्टी। सो जस्ट प्लेज कि तुम लोग अगर कोई भी लड़की आसपास ऐसे लगे कि वो कोई बंदा उसको फॉलो कर रहा है, जस्ट हेल्प हर आउट। सो दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट फॉर वुमेंस डे फॉर एनी ऑफ द गर्ल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।